आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेवी टेरासीटाम के बारे में। लेवी टेरासीटाम क्या है और इसके यूज़ क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में देखेंगे, और इसके कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर में इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेवी टेरासीटाम क्या है। तो एक ड्रग्स है या केमिकल बोल सकते हैं या सॉल्ट फॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो कि मिर्गी के पेशेंट में देते हैं जिसे सीजर में इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किस किस बीमारी में मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल सबसे पहले सीजर में कर सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है, एपिलेप्सी वगैरह में ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मिर्गी का झटका वगैरह आता है तो उसमें ये मेडिसिन का ओवरऑल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हर वो बीमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से खतरा बना रहता है झटके आने का या सीजर आने का, या कहीं पर चोट लग जाता है जिसकी वजह से झटके आते हैं, तो सब बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से अपने को झटका आता है या मिर्गी वगैरह आता है, तो इसमें ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में करते हैं, जैसे कि फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं, या जर्नलाइज एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, या पार्शियल एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, ये सब कुछ एपिलेप्सी के टाइप है। ये सब में भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कोई और मेडिसिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जनरल ये मेडिसिन दिया जाता है ये सब टाइप के एपिलेप्सी में। मेडिसिन शेड्यूल एच ड्रग्स में आता है। शेड्यूल एच में आपको ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कोई कोई मेडिकल स्टोर वाले ये मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन आपको ये मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने सीजर का बता के किस टाइप का है और किस तरह का है वो बता के पूरा उसका एग्जामिनेशन करके ये मेडिसिन खाना है। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये मेडिसिन लेने से ब्रेन में जो एबनॉर्मल सेल्स के एक्टिविटी रहते हैं उसको ये सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो झटके आते हैं तो जाके नर्व को इस सप्रेस कर देता है, इम्पल्स जो रहते हैं उसको सप्रेस कर देता है ताकि वो झटके आना बंद हो जाए। मेडिसिन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में खुद से ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ नहीं माना जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसी दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये मेडिसिन खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो नौसिया हो सकता है, इसके अलावा डिजीनेस आ सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इसके अलावा स्लीपनेस ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा आएगी, इसके अलावा एपेटाइट बढ़ जाएगा, इसके अलावा उनका जो बिहेवियर है बिहेवियर में फ़र्क आ जाएगा, उन बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जैसे कि सुसाइड वगैरह के थॉट आने लगेंगे। तो इसलिए ये मेडिसिन अगर जो कोई खा रहा है तो उसके साथ दूसरा आदमी रहना चाहिए ताकि वो कुछ गलत ना कर ले। इसके लिए ये मेडिसिन किसी को अकेला नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, नेसल कंजेशन हो सकता है, तो ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। ब्रांड नेम देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मार्केट में आता है। तो वो जो फेमस ब्रांड है उसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि लिवेफ्सी है, इसके अलावा लेवेरा है, इसके अलावा लिविपिल है, इसके अलावा लिविसाम, लिवी ग्रेस, टोरलेवा, इसके अलावा लिवासीटाम, लिपटाम, केप्रा, ये सब कुछ कॉमन ब्रांड नेम है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसके स्टैंड के ऊपर कितने कितने एमजी में ये अवेलेबल रहता है। तो ये मेडिसिन 250 mg, 500 mg, 750 mg और 1000 mg में अवेलेबल रहता है। डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के ऊपर उसके प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको कितने एमजी के डोज लेना है।